हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्कुला में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में, जो कि बाइसन पैनल के साथ हो रहा है। एंड बहुत व्यूअर्स ने हमको कमेंट्स में पूछा है कि उसमें बाइसन पैनल में क्रैकिंग्स आ रही हैं, जॉइंट्स पे स्पेशली क्रैकिंग्स आ रही हैं। मटेरियल पे क्रैकिंग नहीं है, जहाँ पे दो बाइसन पैनल को अटैच किया जा रहा है, ज्वाइन किया जा रहा है, वहाँ पे कुछ टाइम बाद क्रैकिंग देखने को मिल रहा है। मैंने बाइसन पैनल पे एक डिटेल वीडियो बनाया था, एंड अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बाइसन पैनल के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है, पूरी जानकारी उसमें बदवे ने बताई है। सो उसी वीडियो में बहुत से व्यूअर्स ने कमेंट में पूछा है कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, एंड वो उसमें पूछ रहे हैं कि कोई एक इजी सा मेथड बताइए, आसान सा तरीका बताइए, जिससे कि हम उस प्रॉब्लम से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएँ। वैसे इसमें बहुत से सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, बहुत डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस हैं जो कि मैंने ऑलरेडी सबको रिप्लाई किया हुआ है, बट मुझे ये चाहिए था कि कोई बेस्ट ऐसा सॉल्यूशन मैं बताऊं जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो और प्रॉब्लम से इजीली छुटकारा मिल जाए। सो इसी के बारे में हम कंप्लीट में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करें। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ था कि एस ने जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर पे। ये बेसिकली जगह, मतलब हर स्टेट्स में या डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं, लाइक लखनऊ हो गया, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट टॉप कंपनीज़ जो हैं, ठीक है, जो ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है, डिफरेंट सेगमेंट्स में, वो सभी वहाँ पे आते हैं। सो अगर आप इंटीरियर और आर्किटेक्चर स्टूडेंट हैं तो एक बार आप ज़रूर विज़िट करिएगा, अगर आपके नियर बाई सिटी या आपके सिटी में इस तरह के कोई भी इंटीरियर और आर्किटेक्चर इवेंट्स अगर होते हैं तो। सो रही बात नाउ, अभी जब ये इवेंट हुआ था लास्ट बैक टू मंथ्स, अभी ये इवेंट हुआ था, ठीक है, सो मैं वहाँ गया था तो NCL ग्रुप ऑफ कंपनीज मीन्स NCL ग्रुप वहाँ पे आई हुई थी, सो जो कि ये बाइसन पैनल को मैन्युफैक्चर करती है। सो उनसे जब हमने डिस्कस किया, सो काफ़ी चीज़ें वैसे हमने डिस्कस किया था, बट इस इशू को मैंने वहाँ पे रेज़ किया, उनके जो हेड थे वहाँ पे, जो मोर सीनियर, उनसे मैंने कंसल्ट किया एंड उनको मैंने बताया कि जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत इस में प्रॉब्लम आ रहा है, इस ये बहुत बड़ा इशू बन गया है क्रैकिंग का। सो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि यस, जो बाइसन पैनल है उसमें जॉइंट पे क्रैकिंग्स आ रहे हैं। नाउ ये क्रैकिंग्स आते क्यों हैं, पहली चीज़ तो इस पे डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्यूशन पे मैं अभी बात करता हूँ थोड़ी देर में। सो क्रैकिंग आते क्यों हैं, सो क्रैकिंग आने के कई फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है कि सही तरीके से इंस्टॉलेशन न करना। अगर आप सही तरीके से इंस्टॉल नहीं करते हैं, मींस सही तरीके से दो बाइसन पैनल को ज्वाइन नहीं करते हैं, देन क्रैकिंग आना स्वाभाविक है, मींस क्रैकिंग आ सकता है, चांसेस हैं, ठीक है, मींस चांसेस बढ़ जाते हैं क्रैकिंग आने के। दूसरा, अगर उसमें जो केमिकल की जो केमिकल अप्लाई होता है, ठीक है, जो भी पेस्ट वगैरह उसमें अप्लाई होता है, ठीक है, अगर वो सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया है, ब्रांडेड नहीं है, लोकल केमिकल को इस्तेमाल किया गया है, पेस्ट बेसिकली ये एडहेसिव होते हैं, अगर इनको यूज़ किया गया है वो गैप को फिल करने के लिए, जो बाइसन पैनल को ज्वाइन किया जाता है तो उसमें बहुत ही माइनर सा हेयर लाइन क्रैक्स होता है, मींस हेयर लाइन गैप होता है, आई वोंट से क्रैक, हेयर लाइन गैप होता है। सो उस गैप को वैनिश करने के लिए, मींस हटाने के लिए, केमिकल पेस्ट मींस एडेसिव को यूज़ किया जाता है। अब बात आती है कि अगर लोकल ब्रांड का एडेसिव यूज़ करेंगे, देन अगेन कुछ टाइम बाद वो क्रैकिंग आ जाएगा। थर्ड,
कभी कभी क्या होता है कि एक मैशिंग टेप होता है, मैशिंग टेप बेसिकली नेट टाइप स्ट्रक्चर टेप होता है, उसको अप्लाई करना चाहिए एंड देन केमिकल पेस्ट मीन्स एडहेसिव को अप्लाई करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि दो बाइसन पैनल का एक तो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, ज्वाइनिंग जो उनकी बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जुड़ने की वो कैपेसिटी बढ़ जाती है, देन इससे भी क्या होता है क्रैकिंग आने के चांसेस हट जाते हैं। अगर इसको नहीं, कई लोग तो इसको यूज़ ही नहीं करते हैं मैशिंग टेप को, जबकि उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है, फाइबर का बना होता है, इसको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, कभी कभी वेदर के कंडीशन की वजह से भी इसमें क्रैकिंग आती है, लाइक ठंडी और गर्मी, इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये दो प्रोसेस होते हैं। एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है, फैलना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, मतलब कि आपस में वो जुड़ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, ये होता है एक्सपेंशन। सो जब दो बाइसन पैनल को जोड़ा जाता है, उसमें जो केमिकल पेस्ट को अप्लाई किया जाता है, तो क्या होता क्या है ना, कुछ जैसे गर्मी बढ़ी, आपने कहीं ऐसे जगह उसको यूज़ किया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है गर्मी के टाइम में, तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन होने लगता है दोनों मटेरियल में, ठीक है, दो बाइसन पैनल है वहाँ पे एक्सपेंशन होने लगता है, एक्सपेंशन होगा तो 110% क्रैकिंग आ जाएगा। ठंड में क्या होता है, मान लीजिए जब टेम्परेचर डाउन रहता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से भी क्रैकिंग होती है, अगर मोशन हुआ तो क्रैकिंग आना स्वाभाविक है, वो नॉर्मल सी बात है। सो ये कुछ फैक्टर्स थे, ठीक है, जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि क्रैकिंग आता है। नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर इट, हमने मैशिंग टेप का यूज़ किया, हमने केमिकल पेस्ट मींस एडहेसिव का यूज़ किया, वो भी अच्छे ब्रांडेड का, तब भी चांस 10% चांस होता है, अगर आप अच्छे से अच्छा काम कराते हैं तब भी 10% का चांस होता है कि क्रैकिंग आ जाए। एंड वन मोर थिंग, क्रैकिंग आने के एक और चांस है, सभी मटेरियल का अपना एक कैपेसिटी होता है, ठीक है, उस कैपेसिटी के बाद वो मटेरियल फेल हो जाएगा। उसी तरह अगर बाइसन पैनल पे भी अगर एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के बाद या स्पेसिफिक फोर्स के ऊपर अगर कोई भी फोर्स से उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, देन होगा क्या कि वाइब्रेशंस होने की वजह से क्रैकिंग आ जाएगा। सो एक ये भी एक फैक्टर है, बट इसको हम कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज क्रैकिंग अपने आप होता है या सडन इम्पैक्ट्स होता है, दोनों अलग चीज़ें हैं। बट हम यहाँ बात करें कि अपने आप जब क्रैकिंग होने लगता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, राइट ना, उसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है, उनसे भी जब हमने बात किया, उनके जो हेड थे, जब उनसे मैंने कंसल्ट किया इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, सो उन्होंने बोला कि सर इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो है मेटल टी पत्ती। अब आप कहेंगे ये क्या है मेटल टी पत्ती। ओके, अगर आप फर्नीचर वगैरह कहीं देखे होंगे उसमें आपने मेटल का एक स्ट्रिप देखा होगा, ठीक है, इन टॉप साइड देखा होगा, कुछ इस तरह का इमेज आपने देखा होगा। बेसिकली ये टी पत्ती होता है, जैसे डोर हो गया या वार्डरोब हो गया, कोई भी फर्नीचर वर्क होता है ना, वहाँ पे मेटल टी पत्ती का मींस टी स्ट्रिप का यूज़ किया जाता है। टी पत्ती को इस्तेमाल करने से होता क्या है, एक तो लुक बढ़ता है, ठीक है, लुक आ जाता है अच्छा। दूसरा, जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे जॉइंट को हिडन किया जा सकता है, ठीक है, एंड साथ में क्या करता है, एक बॉन्डिंग बना के रखता है दो सरफेस के बीच में, ठीक है, दो एजेस के बीच में, बेसिकली आई वुड से नॉट सरफेस, एजेस के बीच में एक स्ट्रेंथ बना के रखता है। टी पत्ती जो है कुछ इस तरह का दिखता है एंड इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अब टी पत्ती तो पता चल गया कि कैसा होता है ना, इसको यूज़ कैसे करना है। जब भी आप दो बाइसन पैनल को मान लीजिए आप ज्वाइंट कर रहे हैं, ठीक है, सो वहाँ पे क्या करिए, थोड़ा सा गैप मेंटेन कर रखिए, ठीक है, 2 mm का, 1.5 टू 2.5 मैक्सिमम, इतने mm का आप गैप मेंटेन करके रखिए एंड उसमें क्या करिए, आप टी पत्ती को फिक्स कर दीजिए। टी पत्ती को फिक्स करने का एक प्रोसेस है, वो भी अभी मैं डिस्कस करता हूँ। सो टी पत्ती को आप इस्तेमाल कर लीजिए ना। अब ये होगा कि टी पत्ती किस साइज़ में आता है, किस थिकनेस में आता है। साइज़ इसका जो होता है वो 12 फीट में आता है, 10 टू 12 फीट में ये अवेलेबल होता है एक पीस, एंड इसका जो थिकनेस होता है मीन्स साइज़ आता है वो आता है, लेंथ तो हो गया 10 टू 12 फीट, इसका जो साइज़ आता है वो आता है 2 mm से लेके 12 mm तक,
ठीक है, 2 to 12 mm तक की ये थिकनेस का आपको टी पत्ती मिल जाएगा। ठीक है, इसमें अलग अलग शेड्स भी है, लाइक रोज़ गोल्ड, मेटालिक, ब्लैक, क्रोम, सिल्वर, एल्युमिनियम, अलग अलग फिनिशिंग में आपको ये टी पत्ती मिल जाएगा। इनके रेंजेस होते हैं 200 to 300 rupees से स्टार्ट होते हैं एंड इट कैन गोज़ अप टू लाइक 700, 800, 1000, 1200 rupees। मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, जो 150-200 से स्टार्ट होते हैं, अगर ब्रांडेड में जाएंगे तो 400-500 से स्टार्ट होते हैं एंड अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें गेजिंग के हिसाब से आपको क्वालिटी मिलती है। गेज बेसिकली क्या होता है, वेट ऑफ दी और वी कैन से द स्ट्रेंथ ऑफ द टी पत्ती को डिफाइन करता है। ठीक है, जितना गेज कम होगा उतना ही मटेरियल स्ट्रांग होगा। ये तो हो गया टी पत्ती को हम यूज़ करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या कैसे करेंगे फिक्स। टी पत्ती को फिक्स करने का सबसे बेस्ट है तरीका, वो है बॉन्ड। जो फेविकोल का एक बॉन्ड आता है, स्ट्रांग बॉन्ड बोलते हैं, ट्यूब आती है बेसिकली, ठीक है, 90 to 100 rupees की एक ट्यूब आती है, आप उसको ले लो, उस गैप में उसको फिल करो एंड टी पत्ती पे भी आप उसको लगा के टी पत्ती को उसमें जाम कर दो, ठीक है, उसमें फिक्स कर दो, तो वो क्या होगा, प्रॉपरली स्टिक हो जाएगा। ऑलराइट, और ऊपर से आप जो है एब्रो टेप लगा के उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जब वो सूख जाए तो एब्रो टेप को आप निकाल दीजिए, देन उसके बाद साफ़ कर दीजिए, बहुत ही एलिगेंट लुक आपको देखने को मिलेगा। सो दो चीज़ से आपका टी पत्ती यूज़ करने से दो इश्यूज़ सॉल्व हुए, पहली तो क्रैकिंग की इशू कभी नहीं आएगा, लाइफ टाइम नहीं आएगा इशू। सेकंड, जो लुक है वो लुक क्या करेगा, वो इन्हांस कर देगा पूरे बाइसन वॉल पैनल का। सो जहाँ पे भी आप बाइसन पैनल यूज़ करेंगे, चाहे पार्टीशनिंग में यूज़ करें, चाहे फर्नीचर में यूज़ करें, चाहे किचन में यूज़ करें, तो कहीं भी यूज़ कर रहे हैं आप टी पत्ती को, बेसिकली वॉल पार्टीशनिंग एंड फर्नीचर वर्क में टी पत्ती को सजेस्ट किया जाता है, रेकमेंड किया जाता है। इवन अगर आप फॉल सीलिंग भी बना रहे हैं बाइसन, उससे बाइसन वॉल पैनल से, तो वहाँ पे भी आप टी पत्ती का यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज क्या डिज़ाइन है, क्या फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है, दैट इज़ डिपेंड करता है कि क्या आपने पसंद किया हुआ है, राइट। सो उस हिसाब से आप टी पत्ती को यूज़ कर सकते हैं, बट सिंपल सॉल्यूशन इज टी पत्ती। सो मैंने बताया कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, टी पत्ती। टी पत्ती को कैसे यूज़ करना है, इंस्टॉल करना है, वो मैंने आपको बता दिया, किस साइज़ में अवेलेबल है, क्या उनका थिकनेस है, देन किस शेड्स में आते हैं, ठीक है, कौन से मीन्स फिनिशिंग में, कौन से फिनिशेस में आते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। साथ मैंने कॉस्ट भी आपको एक लमसम बता दिया कि इतना कॉस्ट आपको पड़ेगा पर पीस। सो ये था बाइसन वॉल पैनल में जो क्रैकिंग की इशू है वो। मैं इस वीडियो के लिंक जो है बाइसन वॉल पैनल वाले वीडियो में भी पिंक कर दूंगा, जिससे वहाँ पे जिनको भी इश्यूज आएंगी वो इस वीडियो को रेकमेंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड जो भी क्रैकिंग से रिलेटेड इश्यूज थे उसका सलूशन आपको अच्छा लगा होगा। सो ज़रूर आप इस सलूशन को अप्लाई करें, आपको कभी भी क्रैकिंग का इशू नहीं आएगा। एंड आई होप आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको फर्दर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। सो ऐसे ही आप वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दिखाइए, वीडियो खूब शेयर कीजिए एंड ऐसे मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँगा। सो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए थॉट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।